कि आज हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं साकेत गोखले की सोया चंक्स की रेसिपी। देख के और मतलब स्मेल करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं। खा के देखो कैसा हो रहा है। जब मतलब ऐसे च्यू कर रहे हैं ना सोया को, तो उसके अंदर जो सॉस का, सॉल्ट का और मतलब ये सारे मसाले मिक्स हो गए जो। इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग एंड आज कोई भी हॉच पॉच नहीं है, क्योंकि अभी अपलोड होने वाला वीडियो ऑलरेडी एडिट हो चुका है एंड अपलोड भी हो चुका है, बस उसको मेरे को 11 बजे लाइव करना है। हाय गाइस, माय नेम इज सूरज सिंह, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे डेली व्लॉग का एपिसोड नंबर 15 और यार मतलब इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद भी ना इंट्रो करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता ही लगता है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपने ऑलरेडी किया है तो थैंक यू सो मच। मैं हो चुका हूँ नहा के फ्रेश एंड आज इस वीडियो का प्लान ये है कि आज हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं साकेत गोखले की सोया चंक्स की रेसिपी। आई एम श्योर अब तक आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी कि सोया एक हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है और इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, काफ़ी सारी डिबेट्स हुई हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एंड मैं दो दिन से जिम भी नहीं गया हूँ, आज भी नहीं जाऊँगा, लेकिन आज हम होम वर्कआउट करने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो मैंने कभी अपने वीडियोज़ में होम वर्कआउट दिखाया है, क्योंकि मेरे घर में एक बारबेल और कुछ फ्री वेट्स पड़े हैं जिसकी मदद से मैं ईजिली घर पर होम वर्कआउट कर सकता हूँ। तो आज हम होम वर्कआउट करेंगे और उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोया चंक्स की रेसिपी। अब साकेत की रेसिपी ट्राई करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कैसे बनाना पसंद करता हूँ सोया। मेरे को थोड़ा उसमें वेजीज डालना पसंद है और थोड़ा घी डाल के उसको फ्राई करके फिर मैं वैसे बनाना पसंद करता हूँ, या तो फिर मैं बिल्कुल ही मेहनत नहीं करता हूँ, मैं कच्चे सोया चंक्स ऐसे ही खा देता हूँ धो करके, लेकिन साकेत बॉयल करके बनाता है। तो फटाफट से सोया चंक्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 50 ग्राम रॉ सोया चंक्स लिया, जिसमें आप लोगों को 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एंड अपने फूड को वे करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा जब आप ट्रैक करोगे वहाँ पे डालना इंपॉर्टेंट है कि आपने फूड को रॉ वे किया है या कुक्ड होने के बाद वे करा है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फूड को अगर आप रॉ वे करते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है और कुक होने के बाद अलग हो जाती है। आप कुछ कर रहे हो अभी किचन में? बना रहा हूँ सोया, बना लो आप, बना लो पहले। स्टेप वन, सोयाबीन को अच्छे से टैप वाटर के साथ वॉश करो। किचन में लाइट कम है तो अंदर ही शूट करना पड़ेगा। स्टेप टू, जिसमें हम लोगों को लगेगा प्रेशर कुकर, एंड आई थिंक इंडिया में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में प्रेशर कुकर नहीं होगा, तो इसमें हमें चाहिए प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे अपने सोया चंक्स और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब मेरे को इस कुकर की सीटी का अंदाज़ा नहीं है, वो मेरे को पूछना पड़ेगा मम्मी से। कितनी सीटी लगेंगी इसमें? सोया सोया उबालना है, एक सीटी। A few moments later. अब सोया को थोड़ा ठंडा होने के लिए टाइम लगने वाला है, तब तक मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जाके क्विक वर्कआउट सेशन कर लूँ। बाय द वे अभी मैं शोल्डर और आर्म्स करने वाला हूँ।
पोस्ट अकाउंट मिल का टाइम हो गया है। तो प्रीवियस स्टेप्स में मैंने जितना भी एक्सेस वाटर था वो सब निकाल दिया। अगर आपके घर में वो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं जिससे मैश पोटेटोज बनाते हैं, अगर वो है तो आप उससे कर सकते हो। मैंने स्पून से किया है और मेरे पास अभी यहाँ पे 50 ग्राम्स सोया है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को अपने सोया में मसाले ऐड करने हैं। साकेत ने अपने सोया में आई थिंक कोई चिंग्स का मसाला ऐड करा था और एक पास्ता मिक्स ऐड करा था, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को पेरी पेरी पसंद है और किया करके एक ब्रांड है, अगर फोटो मिलेगा तो मैं यहाँ पर साइड में डाल दूंगा। उसका मेरे को पेरी पेरी नहीं मिला तो वो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। और उसके अलावा मेरे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, वो है मैगी मसाला। मैगी मसाला मेरे को बहुत पसंद है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा ये मैगी मसाला और ये केचप। एंड फिर करते हैं टेस्ट रिव्यू। बाय द वे ये मिरर भी बहुत गंदा हो गया, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। टाइम फॉर द फाइनल स्टेप। फाइनली देख के और मतलब स्मेल करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा है। एक और बाइट ले लो। बहुत बहुत अच्छा है। जब मतलब ऐसे च्यू कर रहे हैं ना सोया को, तो उसके अंदर जो सॉस का, सॉल्ट का और मतलब ये सारे मसाले मिक्स हो गए, जो मतलब फ्लेवर आ रहा है, मज़ा आ गया। एंड मैं तो डेफिनेटली इस रेसिपी को ऐड करने वाला हूँ अब से अपनी डाइट में, इनफैक्ट आज से ही, क्योंकि मैं सोया जिस तरह से बनाता हूँ उस तरह से सोया इतना सॉफ्ट नहीं होता है फ्राई करके, लेकिन ये बॉईल करके सोया बहुत सॉफ्ट हुआ है। और अगर आप अपनी डिशेस और मतलब रेसिपीज़ वगैरह चेंज करते हो तो डाइट करना आसान हो जाता है। मम्मी को ट्राई कराता हूँ। इधर आओ, ये खा के देखो। सही सही हो रहा हो? अच्छा हो रहा है ना? एंड बाकी आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हो, मतलब पॉइंट मेरा ये है, आए हो तो कुछ ना कुछ तो करके जाना, खाली याद नहीं जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट जरा गाने मत गाओ, 5 मिनट बस। सबके लिए।